सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनफाल, अल दरसुल अव्वल आरिफ, आयात है 1-10, पेज नंबर 1। सूरतुल अनफाल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सूरतुल अनफाल के बारे में चंद मालूमात फराहम करूंगी कि सूरतुल अनफाल में हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं। सूरतुल अनफाल मदनी सूरत हैं, ये 9वें और 10वें पारे में हैं। तरतीब के लिहाज से 8वें नंबर पर हैं। इसमें 10 रकू हैं और 75 आयात हैं, यानी 75 आयात हैं। अनफाल नफल की जमा हैं और इसका मतलब है माल गनीमत। अब माल गनीमत वो माल होता है जो मुसलमान लश्कर कशी की सूरत में हासिल करते हैं। सूरतुल अनफाल में ग़ज़वे बदर का ज़िक्र हुआ है। ये 2 हिजरी में बरोज़ जुम्मा पेश आया। ग़ज़वे बदर 2 हिजरी बरोज़ जुम्मा पेश आया। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 जबकि कुफार की तादाद 1000 थी। मुसलमानों में जो मुहाजिरीन थे उनकी तादाद 231 जबकि अंसार 82 यानी 82 थे। नज़ूल बदर के फौरन बाद सूरतुल अनफाल नाजिल हुई। अब जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई सूरत नाजिल होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। मैं आपको इसका शान नज़ूल बताऊंगी सूरतुल अनफाल का, किसका शान नज़ूल क्या है, यानी इसकी नाजिल होने की क्या वजूहात हैं। ग़ज़वे बदर जो कुफ्र इस्लाम का सबसे पहला मार्का था, इसमें जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई और कुछ माल गनीमत हाथ आया तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान इसकी तकसीम में इख्तलाफ पैदा हो गया और आपस में झगड़ने लगे मुसलमान, क्योंकि जिन लोगों ने माल गनीमत जमा किया था वो कहने लगे कि ये माल हमने जमा किया है, इसलिए इसमें हमारे सिवा किसी का हिस्सा नहीं। किसी ने कहा हम दुश्मन के ताकुब में गए थे, यानी उनका पीछा किया था। उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों से ज़्यादा हकदार हैं। किसी ने कहा कि हम खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रहे, इसलिए माल गनीमत जमा करने में शरीक ना हो सके। इसलिए खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत जो जहाद का सबसे अहम काम था, हम इसमें मशगूल रहे, इसलिए हम भी इसके मुस्तहिक हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये गुफ्तगू जब खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, इस पर ये आयत मस्कूरा नाजिल हुई जिसने वाजह कर दिया कि ये माल अल्लाह का है और इसका कोई मालिक व हकदार नहीं। खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात रब्बानी के तहत इस माल को सब शुरकाए जिहाद में मसावी तौर पर तकसीम फरमा दिया और सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के इस फैसले पर राज़ी हो गए और उनके खिलाफ शान जो सूरत हाल बाहमी मुसाबकत की पेश आ गई थी इस पर नादिम हुए। अब आते हैं सूरत की तर्जुमे और तशरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफाल लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाहा वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाहा वरसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। अब आते हैं सूरतुल अनफाल के पस मंज़र की तरफ। केस का पस मंज़र क्या है। ग़ज़वे बदर कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का था। कुफार मक्का को पैगंबर और मुसलमानों का मक्का से निकल जाना और मदीना में शान व शौकत व अज़मत के साथ ज़िंदगी बसर करना और इस्लाम का रोज़ बरोज़ तरक्की करना बेहद नागवार गुज़रा, इसलिए उन्होंने मुनाफिकीन मदीना और यहूदी मदीना से बातचीत शुरू कर दी। कुरैश के एक रईस कर्ज बिन जाबिर ने मदीना की चरागाह पर हमला करके खातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी लूट लिए।
इन हालात में अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को भी मुकाबले की इजाज़त दी। तब मुसलमानों ने भी इस छेड़छाड़ का जवाब देना शुरू कर दिया। अहले मक्का का जो सिलसिला तिजारत शाम से वाबस्ता था, इसमें रुकावट पैदा करनी शुरू कर दी, ताकि अहले मक्का की वो माली कुव्वत कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से कुफार मुसलमानों को ख़त्म करने की फ़िक्र में लगे हुए थे। कुरैश ने जब देखा कि अब मुसलमान भी खामोश रहते नज़र नहीं आते और हमारी कार्रवाइयों का जवाब मिलने लगा है, तो वो गौर गौस के बाद एक फैसला कुन जंग के लिए खुफिया प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी। जंग के लिए पहले सरमाया दरकार था। कुरैश के काफ़िले हर साल मुल्क शाम की तरफ तजारती सामान लेकर जाते थे। अबू सुफियान की क़यादत में शाम से तजारती काफ़िला 50,000 अशरफियों का सामान तजारत लेकर वापस मक्का आ रहा था। इस तजारती काफ़िले में तमाम कुरैशी मर्दों के अलावा औरतों ने भी अपना तमाम सरमाया इस काफ़िले के हवाले किया था, ताकि मुनाफे की ज़्यादा रकम जंग के सामान में खर्च की जा सके। इसलिए उनके पास जो कुछ था, उन्होंने वो सब कुछ तजारती काफ़िले में दे दिया। यानी उनका मकसद ये था कि इससे ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है, और जो मुनाफा उनको होगा वो जंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अहले अरब का सालाना मेला लगा करता था। कुरैश ने वहाँ पहले पहुंचकर इन मकामात पर कब्ज़ा कर लिया जो जंगी नुक्ते नज़र से ज़्यादा अहम था। मक्का से जो काफ़िला शाम की जानिब जाते थे, मदीना उनकी राह में आता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र शाम से इस काफ़िले की वापसी की इत्तला मिली, तो ख़ातिमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय दी कि उस वक्त तक इस काफ़िले का मुकाबला करके कुरैश की ताकत तोड़ देने का हुक्म था। दूसरी तरफ अबू सुफियान के जासूसों ने उसे पहले से ख़बर दी कि ख़ातिमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ इन काफ़िले के इंतज़ार में हैं। अबू सुफियान ने एक शख्स को तैयार किया जो जल्द अज़ जल्द मक्का मुकरमा में ख़बर पहुंचा दे कि उनके काफ़िले को सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़तरा लाहक हैं। उस ज़माने में किसी ख़ास रस्म के मुताबिक ख़तरे का ऐलान ऊँट की नाक कान काट दिए जाते, अपने कपड़े आगे पीछे से फाड़ दिए जाते। ये अलामत उस ज़माने में ख़तरे की घंटी समझी जाती थी। कुरैशी मक्का को जब इसकी इत्तला मिली, तो अबू जहल ने 1,000 का लश्कर तैयार किया, जिनके साथ भारी सामान जंग भी शामिल था। मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मक्का से रवाना होने लगे। अबू सुफियान का काफ़िला साहिली रास्ते से यानी समंदरी रास्ते से खैर खैरियत के साथ मक्का पहुंच गया। फ़ौज रवाना हो चुकी थी। अबू सुफियान ने कासिद दौड़ाया कि हम वापस पहुँच गए हैं, लिहाजा वापस आ जाओ। लेकिन अबू जहल ना माना और कहा कि अब निकले हैं तो मुसलमानों को ख़त्म करके ही जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इत्तला मिली कि इस तरह कुफार का 1,000 का लश्कर हमला आवर होने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुसलमानों को लेकर मदीना से निकले। बदर मदीना से 80 मील के फासले पर एक मैदान है। बदर मदीना से 80 मील के फासले पर एक मैदान है जहां अहले अरब का सालाना मेला लगा करता था। कुरैश ने वहां पहले पहुंचकर इन मकामात पर कब्ज़ा कर लिया जो जंगी नुक्ते नज़र से ज़्यादा अहम था। कुफार ने जिस तरफ पड़ाव किया था वहां मैदान था, और जिस तरफ मुसलमानों ने पड़ाव किया वहां रेत ही रेत थी। जिस सुबह जंग होने वाली थी उस रात बारिश हो गई। जिस तरफ कुफार ने पड़ाव किया वहाँ कीचड़ बन गया, और जिस तरफ मुसलमानों ने कब्ज़ा किया था वहाँ बारिश हो जाने से रेत जम गई और मुसलमानों ने पीने के लिए पानी जमा किया और गुसल करके अपने जिस्मों को पाक कर लिया। बारिश के होने से कुफार सारी रात बेचैन रहे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों ने आराम सुकून से सोए हुए थे। सुबह ख़ातिमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को तरतीब देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, तू ने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा कर। अगर आज तेरे ये चंद बंदे मिट गए तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा।
कुफार की तादाद मुसलमानों से 3 गुना थी, लेकिन फिर भी इस जंग में मुसलमानों को जीत हो गई।